हे गाइस, वेलकम टू ड्रेस ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, ठीक हूँ मतलब थोड़ा बहुत ठीक हूँ, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ डॉक्टर चेकअप के लिए, और वो है मेरा आईज़ का। मोस्टली साल में एक बार आई चेकअप करना पड़ता है, क्योंकि मैं मस्कत में थी तो उधर हो नहीं पाया मेरा। अभी इंडिया आने के बाद दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग, और मैं हूँ अभी उड़ीसा में मेरी ससुराल। तो बबन और मैं दोनों मिलके जा रहे हैं मेरा आई चेकअप करने के लिए। तो घर से काफ़ी दूर है, थोड़ा बहुत आई मीन लाइक आधा घंटा ड्राइव करने के बाद पहुंचना पड़ता है। हम लोग जा रहे हैं एल बी प्रसाद आई हॉस्पिटल, जिधर बहुत अच्छा आई चेकअप होता है। उड़ीसा में मोस्टली सब लोग एल बी प्रसाद प्रेफर करते हैं डॉक्टर चेकअप कराने के लिए। तो मेरे ससुर जी बोले कि इधर चले जाओ, तो चले मैं और बबन। फाइनली हम लोग पहुँच गए एल बी प्रसाद आई हॉस्पिटल। ये लिखा है उड़िया लैंग्वेज में और ये लिखा है इंग्लिश में। तो फाइनली अभी जा रहे हैं अंदर। थोड़ा टाइम लगता है ये आई चेकअप करने के लिए, क्योंकि 3-4 प्रोसेस होता है, और ये एरिया भी काफ़ी बड़ा है, और मुझे लग रहा है न्यूली बनाया होगा, लाइक नॉट मोर देन 5 to 6 ईयर्स। और इतना अच्छा गार्डन है, ये समर टाइम है फिर भी काफ़ी अच्छा ठंडा लगता है इधर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा है। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग हमारा डेस्टिनेशन। और जैसे मैं वीडियो के शुरू में ही बोली थी, ये एरिया काफ़ी हरा भरा है। तो अभी मैं जा रही हूँ चल चल के, और इतना धूप के कारण मैं अपने आप को पूरा कवर कर ले, ताकि धूप बिल्कुल मुझे ना लगे। और अभी चल रहा है फॉर्मेलिटी का प्रोसेस, नाम पूछ रहे मेरा डिटेल्स, फ़ोन नंबर एंड ऑल। इफ़ डिटेल सबमिट करने के बाद यू हैव टू वेट, उसके बाद आधे घंटे के बाद मेरा नाम करके बुलाया, क्योंकि काफ़ी भीड़ होता है। अभी मैं जाऊंगी अंदर, और बिल्डिंग के अंदर भी इन लोगों पेड़ पौधा लगा के रखा। अभी मैं जा रही हूँ फ़िलहाल अंदर। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि 3-4 डोरे, कौन सा डोर में अंदर जाना है, कौन सा ऑफिस के अंदर जाना है। तो ये बड़ा बड़ा मशीन है, ये पूरा मशीन से मेरा आँख चेक करेगा। तो 1 by 1 चेकिंग प्रोसेस चलता है, पहले एक मशीन के साथ चेक किया, अभी दूसरा मशीन। तो और भी 2 स्टेप चेकअप पेंडिंग है, बट बीच में लंच ब्रेक दिया तो हम लोग खाने आए। बहुत ज़ोर से भूख लगा है मुझे, और फिर से ग्रीन ग्रीन, मुझे मन करे मैं पूरा पेड़ पौधा घर में उठा के लेके आ जाऊँ। अभी फिर से मैं जा रही हूँ थर्ड चेकअप के लिए। ये फाइनल चेकअप होगा। ये चेकिंग के बाद मुझे एक्जैक्टली मालूम पड़ जाएगा क्या प्रॉब्लम हुआ। तो ऑलमोस्ट सारा फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म हो चुका है, मैं अभी घर जाने की तैयारी कर रही हूँ। मुझे नया चश्मा लेना है, कुछ मेडिसिन भी दिए आई ड्रॉप, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर ने बताया हमें मेरे आँख के लिए थोड़ा बहुत पावर जो होता है, जो चश्मा पहनते हैं हम लोग, पावर का अप डाउन होते रहते, तो मेरा अभी पावर थोड़ा सा डाउन है। तो फिर से चश्मा इसीलिए चेंज करने से जो विजिबिलिटी में जो प्रॉब्लम होता है वो शायद ठीक हो जाएगा। और आफ्टर 3 months आई हैव टू कम अगेन टू री चेकअप। तो जो आई ड्रॉप दिए मेरे आँखों में, उसकी वजह से मैं आँख ठीक से खुल भी नहीं पा रही, और धूप की तरफ देखा भी नहीं जा रहा है मुझसे, तो बहुत छोटा छोटा हो गया मेरा आईज़, और कभी नींद भी आ रहा है। तो मैं जल्दी घर चली जाऊँगी, घर जाके थोड़ा रेस्ट लूँगी। बबन भी आ गए, तो हम लोग चलते हैं अभी घर। घर में आके सीधा किचन में, भूख लगा मुझे, अभी थोड़ा खाना खा लेंगे, क्योंकि बाबा ने भी ठीक से खाना नहीं खाया। थोड़ा मैं ब्रिंजल फ्राई करूँगी, और राइस और सब्जी जो है दाल उसी में खा लेंगे। बहुत ज़ोर से भूख लगा। नींद से उठने के बाद बाबा बिज़ी हो गए छोटे बेबी का पलना ठीक करने में, क्योंकि ये नया पलना आया है जो छोटा बेबी सोएगा इसमें,
उसके बाद मैं चली गई छत पे, छत पे जाके भी देखा हमारा मंकी नेबर, ये हमेशा आ जाता है, तो इन लोगों को भी भूख लगा, इन लोग पानी पीने के लिए आया। अभी गर्मी है ना, एनिमल लोगों को भी भूख लग जाता है, प्यास लगता है, खाना तो किधर से भी मिल जाते हैं उन लोगों को, तो अब बेचारा पानी पी रहा है ऐसे। कौन आया? मंथी आई ले? मंथी कैसा करता देखो, मंकी कैसे करते? मंथी अच्छी तो। मम्मी मम्मी बोलो भाई, ये मुसु का इधर क्या हुआ अभी? क्यों भगवान, गर्मी के लिए ना? नहीं नहीं, काला उसे लगाया है कुछ। कैटरीना कैफ, तो गर्मी का टाइम जो हर दिन शाम को बारिश हो जाता है, उसी बारिश के इंतज़ार करते हुए हम लोग छत पे सब कोई मिल के बैठे हैं, भाभी बच्चे लोग बीर मैं सब कोई। तो बड़े भाभी पेड़ पौधे में पानी दे रहे हैं अभी, और ये हमारा हीरो आलम रचित भाई। हाँ, रचित रिश्ते में मेरा भाई नहीं लगता, ही इज़ माई नेफ्यू। एंड ये है दिशा दीदी, आई मीन शी इज़ माई नीस। ओडिशा में मैं रहने से इवनिंग टाइम पे हमेशा बीर के साथ खेलना मैंडेटरी है, वो शाम को सबके साथ छत पे आ जाता है और उसके साथ खेलते खेलते टाइम बीत जाता है। बारिश के लिए फिर से इंतज़ार कर रहे, आसमान बहुत अच्छा और खूबसूरत दिख रहा है आज भी। सब कोई अपना अपना काम पे बिजी है, मैं बीर के साथ बिजी हूँ। पॉकेट लेके किधर? अब एक टैलेंटेड, ठंडा पानी लेके क्या कर रहे तुम? छत पे तो हमारे पहले से बहुत सारा पेड़ पौधा लगा हुआ था, बट मैं आने के बाद ये पम्पकिन का पेड़ है ये मैं सीड्स डाल दिया और बहुत अच्छे से ये ग्रो हुआ है। मैं डेली आके पानी देता हूँ, नॉट मैं, सबको ही मिल के। और अभी उसके साथ साथ मैं कुछ बिटर गोट का भी डाला सीड्स, और बिटर गोट भी आने लगा। और अभी ये जो थोड़ा घास निकला इसको निकाल देने से मेरा पेड़ में ग्रोइंग ज़्यादा अच्छा होगा। इवनिंग को मैं गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ सामान भी लाना था, कुछ काम भी था, और मैं पानी पूरी भी खा ली जाके, क्योंकि मुझे उड़ीसा का पानी पूरी काफ़ी अच्छा लगता है। बरहमपुर का पानी पूरी इज़ लाइक बेस्ट, इतना अच्छा बनाते हैं उन लोग। तो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ जब भी मैं मार्केट जाऊँ पानी पूरी खा लूँ जाके, देखो कितना टेस्टी है। मार्केट का काम मेरा हो चुका है ख़त्म, अभी मैं जा रही हूँ घर की तरफ। आज का ब्लॉग को मैं इधर ही ख़त्म करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट कोई ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।